हाय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा श्रिंक वॉल्यूम कैसे बनाते हैं। जैसे ये सी ड्राइव है, हमें इसमें से कुछ GB लेना है, वो हम कैसे लेंगे। जैसे हमारी कभी कभी ऐसा होता है, एक ही पार्टीशन रहता है सी ड्राइव, उसके अंदर हम सारा 1 TB कर देते हैं, उसमें से हमें 500 GB निकालना है या हमें 300 GB निकालना है, उसका एक अलग से पार्टीशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। हमें यहाँ पे एक जैसे डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पे हम जो इस ड्राइव को हमें करना है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, क्वेरिंग वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस प्लीज़ वेट। इसका हम थोड़ा वेट करेंगे, वो कैलकुलेशन करेगा कि हमें कितना जो स्पेस है आपको नेक्स्ट पार्टीशन के लिए दे सकता हूँ, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखिए इसमें से ये कह रहा है, साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB 0, मतलब मेरे इस ड्राइव से कोई भी साइज नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको बॉक्स दिखा, नहीं ये 0 दिखा रहा है, तो मैं कितना ले सकता हूँ। मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं 0 ही लूँगा, मतलब मैं कोई पार्टीशन नहीं बना सकता हूँ। तो आपके इसमें सी ड्राइव स्पेस होना चाहिए, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके आपको GB स्पेस देगा कि आप वो ड्राइव अपने हिसाब से अलग से पार्टीशन बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन आता कि भाई 1 GB दे सकते हो या 10 GB दे सकते हो, 500 GB दे सकते हो, 500 GB डाल के आपको श्रिंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका वो जो वॉल्यूम है सी से अलग ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे हम वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं।